आंख मिचौनी लीला। श्री चित्रा के कुंज में श्री प्रिया प्रीतम अत्यंत सुंदर पुष्पों से लदी हुई एक झाड़ी की छाया में बैठे हैं। श्री कृष्ण झाड़ी की जड़ में पीठ टेक कर उत्तर की ओर मुख किए बैठे हैं। वे दोनों पैर फैलाए हुए हैं। श्री प्रिया उनकी बाईं ओर उसी प्रकार झाड़ी की मूल से अपनी पीठ टेके हुए बैठी हैं, पर उनका दाहिना हाथ श्याम सुंदर के बाएं कंधे पर है। श्री ललिता श्री श्याम सुंदर की दाहिनी ओर कुछ दूर पर खड़ी हैं। सामने विशाखा एवं चित्रा एक कपड़े के दोनों छोरों को पकड़कर उसमें शरबत छान रही हैं। शरबत छन छन कर चौड़े मुख के स्वर्ण पात्र में गिर रहा है। उस स्वर्ण पात्र से शरबत गिलास में भरकर रूप मंजरी दूसरे दूसरे गिलासों में भरती जा रही हैं। विलास मंजरी उन गिलासों को सजा सजा कर बहुत बड़ी सोने की परात में रखती जा रही हैं। श्याम सुंदर बीच बीच में मुरली को होठों से लगाकर उसमें एक दो बार फूंक भर देते हैं। फूंक भरते ही उसकी स्वर लहरी वन में गूंजने लगती है तथा सखियों एवं राधा रानी का शरीर उतनी देर तक प्रेम से कंपित हो उठता है। श्याम सुंदर बीच बीच में श्री प्रिया की ओर देख भी लेते हैं। श्री प्रिया मुस्कुराकर अपने हाथों से कभी कभी श्याम सुंदर की आंखें मूंद देती हैं। संकेत के पाते ही रूप मंजरी शरबत का एक गिलास लाकर श्री प्रिया के हाथों में पकड़ा देती हैं। श्री प्रिया उसे श्याम सुंदर के होठों से लगा देती हैं। श्री श्याम सुंदर एक घूंट शरबत पीते हैं और फिर श्री प्रिया के मुखारविंद की शोभा निहारने लगते हैं। श्री प्रिया इस बार दाहिने हाथ से गिलास को पकड़े रहती हैं तथा बाएं हाथ से श्याम सुंदर की आंखें मूंद देती हैं, पर श्री प्रिया की अंगुलियों के छिद्र से फिर भी श्याम सुंदर श्री प्रिया की शोभा निहारने लगते हैं। श्री प्रिया कुछ सकुचाई सी होकर धीरे से कहती हैं, तुम्हारा नटखट फना नहीं जाता, शरबत पीने में इतनी देर लगाते हो। श्री प्रिया की बात सुनकर श्याम सुंदर अपना मुख ऊपर की ओर उठा देते हैं तथा हंसते हुए कहते हैं, अच्छा हम तो नटखट हैं ठीक, पर तुम्हारा नखरा क्या कम हो गया है। इस बार श्री प्रिया बाएं हाथ से श्याम सुंदर के सिर को अत्यंत प्रेम से हिलाकर बहुत धीरे से कहती हैं, देखो शीघ्र पी लो। ललिता विशाखा को इसी समय एक काम से मुझे बाहर भेजना है। श्याम सुंदर इस बार श्री प्रिया की ओर देखते हुए शीघ्रतापूर्वक 5-7 घूंट पी लेते हैं। श्री प्रिया गिलास को लेकर रूप मंजरी के हाथ में दे देती हैं। रूप मंजरी गिलास को लेकर जैसे ही पीछे हटने के लिए पैर बढ़ाती हैं, वैसे ही श्याम सुंदर गिलास को पकड़ लेते हैं तथा कहते हैं, थोड़ा और पीऊँगा। श्री श्याम सुंदर गिलास लेकर श्री प्रिया के होठों के पास ले जाना चाहते हैं कि इतने में ही ललिता वहाँ आ जाती हैं तथा कहती हैं, देखो शरबत पीते पीते तुमने तो इतनी देर कर दी, कल की बात भूल गए क्या। श्याम सुंदर गिलास हाथ में लिए हुए ही ऐसा भाव बनाते हैं मानो उन्हें सचमुच कोई बात स्मरण ही नहीं हो तथा आश्चर्य भरी मुद्रा में कहते हैं, कल की कौन सी बात। ललिता श्याम सुंदर के हाथ से चट से गिलास ले लेती हैं। श्याम सुंदर भी बिना आनाकानी के गिलास छोड़ देते हैं। गिलास लेकर ललिता कहती हैं, ऐसे साधु बन गए मानो कुछ स्मरण ही नहीं है। ललिता की बात सुनकर श्याम सुंदर मुस्कुरा पड़ते हैं और कहते हैं, हाँ अब स्मरण आया, अभी अभी देख मैं अभी एक साथ ही तुम सब लोगों को सिखला देता हूँ। I'm going to show you a way to potentially make money by pairing Amazon with the power of AI. श्याम सुंदर की बात सुनकर ललिता कहती हैं, चतुराई रहने दो, बात पलटने से नहीं छोड़ूंगी, आज होड़ बदल कर देख लो मैं तुम्हें कितना छकाती हूँ। यह सुनकर श्याम सुंदर चटपट बोल उठते हैं, हाँ हाँ मैं भूल गया था, क्या हानि है देख ले, मैं हटता नहीं, पर एक बात तुम सबको माननी होगी। ललिता, क्या बात। श्याम सुंदर, मेरी आंख मेरी प्रिया राधा मूंदेगी। ललिता, यह तो होने का ही नहीं है, राधा की आंख मूंदने पर तो तुम देख ही लोगे कि मैं कहाँ छिप रही हूँ, और नहीं तो यह राधा तुम्हें व्याकुल देखकर संकेत से ही बता देगी कि ललिता किधर गई है। बात यह थी कि कल श्याम सुंदर ने यह प्रतिज्ञा की थी कि आंख मिचौनी के खेल में यदि मैं हार गया तब तो एक दिन के लिए वंशी राधा रानी के हाथ बंधक रख दूंगा, और यदि मैं नहीं हारा तो होगा यह कि राधा या ललिता आदि सखियों में से
जो जो हारेंगी उन सबको एक एक घंटे तक मेरे हाथ की कठपुतली बनकर मैं जो कहूँगा वही वही करना पड़ेगा। कल देर हो जाने के कारण यह खेल नहीं हो सका था, इसलिए आज ललिता ने स्मरण दिलाया है तथा प्रोत्साहन दे रही है। ललिता एवं श्याम सुंदर में झगड़ा होने लग जाता है। श्याम सुंदर कहते हैं कि यदि मैं चोर बना तो प्रिया राधा ही मेरी आँख मूंदेगी, और ललिता कहती है ना, राधा को तो आँख मूंदने ही नहीं दूंगी, या तो विशाखा मूंदेगी या चित्रा। अब वृंदा पंच बनाई जाती हैं। वृंदा देवी ने यह निर्णय दिया, ऐसे नहीं, राधा विशाखा चित्रा तीनों के नाम मैं तीन फूलों पर लिखकर उन फूलों को ऊपर आकाश में उछाल देती हूँ, फिर जो फूल पट गिरेगा अर्थात दल भूमि की ओर एवं डंटी आकाश की ओर होकर गिरेगा उसे मैं छोड़ दूंगी, अर्थात वह आँख नहीं मूंद सकेगी। यदि तीनों फूल पट गिरे तो इन तीनों के अतिरिक्त तो कोई चौथी ही आँख मूंदेगी। वृंदा इस प्रकार कहकर तीन फूलों को समीपस्थ डलिया में से उठा लेती हैं, एक पर राधा, दूसरे पर विशाखा और तीसरे पर चित्रा का चिन्ह बनाती हैं तथा तीनों को एक साथ ही आकाश में उछाल देती हैं। तीनों फूल एक साथ ही भूमि पर गिरते हैं, जिस पर श्री राधा रानी का नाम चिन्हित था वही फूल आकाश की ओर दल तथा भूमि की ओर डंटी करके गिरा। अतएव श्री कृष्ण के आनंद की सीमा नहीं रही, वे हंसकर ताली पीटने लग जाते हैं। राधा रानी कुछ लजा सी जाती हैं। ललिता के हाथ में अभी तक श्याम सुंदर के अधरामृत शरबत का गिलास उसी तरह पड़ा था। वे कुछ मुस्कुराती हुई कहती हैं अच्छी बात है, देख लूँगी। ऐसा कहने के बाद वे कुछ आगे बढ़कर श्री राधा रानी का एक हाथ बाएं हाथ से पकड़कर कुछ दूर पश्चिम की ओर ले जाती हैं तथा श्याम सुंदर की ओर पीठ करके रानी के कान में कुछ कहती हैं। रानी मुस्कुराती हुई सुनती हैं। कुछ ही क्षण में बात समाप्त हो जाती है तथा ललिता उस गिलास को रानी के होठों से लगा देती हैं। रानी उसमें से 4-5 घूंट बहुत शीघ्रता से पी लेती हैं। रूप मंजरी तुरंत वहां जल की झारी लेकर पहुंच जाती हैं तथा सोने के गिलास में पानी भरकर रानी के होठों से लगा देती हैं। मुंह में कुल्ला भरकर रानी उसे शीघ्रता से भूमि पर ही फेंक देती हैं तथा ललिता के पास चली जाती हैं, जो वहां से कुछ दूर खड़ी होकर कुछ गंभीरता से सोच रही थी। रानी ललिता की कमर में खूंसी हुई रुमाल निकाल लेती हैं तथा उससे अपना मुख पोंछकर धीरे धीरे श्याम सुंदर के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। इसी बीच श्याम सुंदर ने भी कुल्ले कर लिए थे। वे विशाखा के हाथ से दिए हुए पान को हाथ में लेकर खड़े खड़े श्री प्रिया की ओर देख रहे हैं। मुख पर मंद मंद मुस्कान है। श्री प्रिया को पास आई देखकर श्याम सुंदर मुस्कुरा कर कहते हैं, क्यों, ललिता रानी से सीख पढ़ लिया? रानी अत्यंत प्यार भरी मुद्रा में मुस्कुराती हुई धीरे से कहती हैं, थोड़ा सीखना और शेष है, तुम्हारी आंखें मूंदते समय वह भी सीख लूंगी। फिर रानी श्याम सुंदर के दाहिने हाथ को, जिसमें पान का बीड़ा था, धीरे से पकड़ लेती हैं तथा श्याम सुंदर के होठों से सटा देती हैं। श्याम सुंदर पान मुंह में रख लेते हैं। अब सारी मंडली आंख मिचौनी का खेल खेलने के लिए पूर्व की ओर बढ़ने लगती है। लगभग 20 गज चलकर मेहंदी की गोलाकार क्यारी से घिरे हुए एक स्थल पर श्री प्रिया प्रीतम एवं सखियां पहुंच जाती हैं। घेरे का व्यास लगभग 60 गज है, जिसके चारों ओर 5-5 हाथ ऊंची मेहंदी की झाड़ियों की क्यारी है। घेरे से निकलने के लिए चारों दिशाओं में 4 मेहराबदार द्वार है, जिन पर लताएं फैली हुई हैं तथा उनमें फूल खिल रहे हैं। घेरे के भीतर सब स्थान पर 5-6-7-8 हाथ के यथा योग्य अंतर पर छिपने के लिए झाड़ियां बनी हुई हैं, उनमें भी फूल खिले हुए हैं। घेरे के बीच में चारों ओर से 8-8 हाथ का स्थान झाड़ियों से खाली है, उस पर हरी दूब लग रही है। दूब इतनी कोमल एवं सघन है मानो हरे रंग की सुंदर मखमली कालीन बिछी हो। उसी स्थल पर आकर श्री प्रिया प्रीतम बीच में बैठ जाते हैं। इस समय श्री प्रिया प्रीतम का मुख पश्चिम की ओर है। सखियां भी उन्हें चारों ओर से घेर कर कुछ तो बैठ जाती हैं, कुछ खड़ी रहकर ही श्याम सुंदर के मुखारविंद की शोभा निहार रही हैं। अब यह विचार होने लगता है कि खेल में पहले चोर कौन बने, अर्थात किसकी आँख पहले मूंदी जाए।
इसका निर्णय करने के लिए ललिता एक बित्ता लंबी धूप का एक दिन का हाथ में उठा लेती हैं। उसे अपनी दोनों तलहथियों को सटाकर इस प्रकार रख लेती हैं कि तिनके का एक छोर तो तलहथी के भीतर छिप जाता है एवं दूसरा बाहर लटकता रहता है। लगभग दो तिहाई तिनका बाहर निकला हुआ है और एक तिहाई ललिता रानी की सटी हुई तलहथी के अंदर छिपा हुआ है। ललिता कहती हैं, देखो श्याम सुंदर, तुम एवं मेरी सभी सखियां इस तिनके को थोड़ा थोड़ा बाहर की ओर खींचो, जिसके हाथ से खींचे जाते हुए यह तिनका संपूर्ण रूप से बाहर निकल आएगा वही पहले चोर बनेगा, उसकी आंख पहले मूंदी जाएगी। ललिता की बात सुनकर श्री श्याम सुंदर आगे बढ़कर तिनके को किंचित खींचते हैं, खींच कर छोड़ देते हैं तथा धीरे से राधा रानी से कहते हैं, थोड़ा तू खींच। ललिता हंसकर कहती हैं, अरे यह कैसे खींचेगी, यह तो आंख मूंदने वाली है। श्याम सुंदर कुछ मुस्कुराकर कहते हैं, तू भला थोड़े भूलने वाली है। श्याम सुंदर और सखियों को खींचने के लिए संकेत करते हैं। विशाखा जाकर थोड़ा खींच लेती हैं, फिर चित्रा खींचती हैं, फिर इंदुलेखा, चंपकलता, तुंग विद्या, सुदेवी, रंग देवी क्रमशः थोड़ा थोड़ा खींचती हैं। अब तिनका अधिकांश बाहर निकल चुका है, लगभग एक डेढ़ अंगुल भीतर छिपा है। फिर श्याम सुंदर थोड़ा खींचते हैं और उसी प्रकार क्रमशः उपयुक्त सभी सखियां खींचती हैं, पर तिनका अभी भी बाहर नहीं निकला है। किसी को पता तो था नहीं कि कितनी लंबी धूप का तिनका ललिता ने उठाया है, इसीलिए सभी इतना कम खींचती हैं कि कठिनाई से प्रत्येक बार तिनका एक चावल भर बाहर निकल पाता है। अब फिर श्याम सुंदर की बारी आ गई। श्याम सुंदर ने तिनके को छुआ ही था कि तिनका बाहर निकल पड़ता है। श्री श्याम सुंदर हंसते हुए ललिता के दोनों कंधों को पकड़ लेते हैं तथा कहते हैं, तुमने छल किया है, जानबूझकर मेरे छूते ही तुमने तिनका गिरा दिया है। ललिता कहती है, नहीं तुमने खींचा है, मैं तो जैसे पहले पकड़ी हुई थी वैसे ही पकड़े रही हूँ। श्याम सुंदर कंधा छोड़कर अलग हो जाते हैं तथा कहते हैं, अच्छी बात है, देख लूँगा, पहले से ही कह देता हूँ इस बार तुम्हारी ही बारी आएगी, तू भले कहीं भी छिप जा। अब खेल प्रारंभ होता है। वृंदा देवी निर्णय करने वाली बनती हैं तथा ध्रुव स्थान श्री रूप मंजरी बनती हैं। श्री श्याम सुंदर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाते हैं। श्री प्रिया मंद मंद मुस्कुराती हुई आगे बढ़कर श्री श्याम सुंदर की दोनों आँखों को पीछे रहकर अपने दोनों हाथों की तलहती से बड़ी कोमलता के साथ मूंद देती हैं। आँख मूंदते ही श्री प्रिया के अंगों में प्रेम के विकार पैदा होने लगते हैं। शरीर से हठात इतना पसीना निकलने लगता है कि नीली साड़ी मानो भीग सी जाती है तथा हाथ भी कांपने लगते हैं। ललिता मुस्कुराकर कहती हैं, तब तो खेल हो चुका। श्याम सुंदर, तुम हो बड़े चतुर, तुम्हारी इच्छा थी नहीं इसीलिए तुमने राधा को चुन लिया, अब बताओ इसके द्वारा तो तुम्हारी आंखें मूंदी और न मूंदी जानी दोनों एक समान ही हैं। श्री ललिता की बात सुनकर रानी कुछ लजा से जाती हैं, फिर वे कुछ धैर्य धारण करती हैं और कुछ लजाई मुद्रा में ललिता से डांटती हुई कहती हैं, अच्छा अच्छा चल हट, तू भला हमसे अच्छा मूंद पाती है क्या। इसके बाद श्री प्रिया अपना रुमाल हाथ में लेकर अपना मुख पोछने लगती हैं, फिर तुरंत ही उस रुमाल की चार तह बनाकर श्याम सुंदर की आंखों पर उस रुमाल को रख देती हैं तथा इस बार बड़े साहस के साथ धीरे से रुमाल को अपने दोनों हाथों से दबा देती हैं। श्री प्रिया के वैसा करते ही श्याम सुंदर अपने दोनों हाथ आंखों के पास ले जाते हैं। उसी समय वृंदा सामने आ जाती हैं तथा कहती हैं, नहीं श्याम सुंदर, यह तो अनुचित है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करके तुम राधा रानी के हाथों को ढीला बना लोगे और फिर देख लोगे कि कौन कहाँ छिपती है। श्याम सुंदर हंसकर कहते हैं, अच्छी बात है, ऐसा नहीं करूँगा। अब श्याम सुंदर पालथी मारे हुए भूमि पर दोनों हाथों को टेक कर बैठे रहते हैं। श्री वृंदा देख लेती हैं कि आंखें ठीक से मूंदी हुई हैं, तब वे एक दो बोलती हैं। If you live in Virginia and you don't know this, you're probably overpaying for car insurance. श्री वृंदा साथ ही यह भी कहती हैं, आज के खेल में कोई भी मेहंदी के घेरे के बाहर जाकर नहीं छिपेगी, यह नियम जो सखी तोड़ेगी उसका हाथ बांधकर मैं श्याम सुंदर को सौंप दूंगी। श्याम सुंदर फिर जो दंड देना चाहेंगे देंगे, मैं फिर उसमें कुछ भी रोक टोक नहीं करूंगी। वृंदा के एक दो बोलते ही सखियां इधर उधर दौड़ दौड़ कर
झाड़ियों में जा छिपती हैं, कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण की ओर चली जाती हैं। जब सखियां ठीक से छिप जाती हैं तब वृंदा देवी उच्च स्वर से बोलती हैं, तीन। वृंदा देवी के ऐसा बोलते ही श्री राधा श्याम सुंदर की आंखों पर से रुमाल हटा देती हैं। श्याम सुंदर हंसते हुए उठकर खड़े हो जाते हैं तथा जहाँ पर वे बैठे थे उसी स्थान पर रूप मंजरी, जो कि ध्रुव स्थान बनी है, आकर बैठ जाती हैं। श्री राधा रूप मंजरी के पीछे खड़ी होकर श्री श्याम सुंदर के मुख की शोभा निहारती हैं। श्याम सुंदर एक बार चारों ओर दृष्टि डालकर संकेत में श्री प्रिया से पूछते हैं कि ललिता किधर गई है। श्री प्रिया एक बार तो मुस्कुरा देती हैं, फिर वृंदा की ओर देखने लगती हैं कि वृंदा किधर देख रही है। श्री वृंदा इन दोनों की ओर देख रही थी, इसीलिए श्री प्रिया विचार में पड़ जाती हैं कि यदि कुछ भी संकेत किया तो वृंदा ललिता से कह देंगी और ललिता फिर हमसे लड़ेगी। श्री प्रिया ऐसा सोचकर शीश नीचा कर लेती हैं। श्याम सुंदर फिर भी कुछ दूर पर खड़े रहकर बाट देखते हैं कि मेरी प्राणेश्वरी राधा कुछ न कुछ संकेत करेगी ही। अतः श्री प्रिया एक उपाय करती हैं, वे रूप मंजरी की दाहिनी ओर बैठ जाती हैं तथा पीठ उसके सहारे टेक देती हैं। श्री वृंदा जब तक श्री राधा के सामने आती हैं, उसके आने के पहले ही श्री प्रिया अपने दोनों हाथों से अपने हृदय को दबाकर मुस्कुराती हुई कनखियों से पश्चिम की ओर संकेत कर देती हैं। तब तक श्री वृंदा सामने आकर राधा के मुख की ओर देखने लग जाती हैं। श्याम सुंदर मुस्कुरा देते हैं, जिससे श्री प्रिया समझ जाती हैं कि श्याम सुंदर समझ गए हैं। श्याम सुंदर भी श्री प्रिया को बचाने के उद्देश्य से ऐसा भाव बनाते हैं मानो सोच रहे हों कि किधर चलें। पहले कुछ दूर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, फिर दो झाड़ी पार करके पुनः वहीं वापस लौट आते हैं। इस बार उत्तर की ओर बढ़ते हैं, कुछ दूर बढ़ते चले जाते हैं। इसी समय तुंग विद्या दक्षिण की ओर से दौड़ती हुई आकर ध्रुव स्थान को छू लेती हैं, छूकर हंसने लगती हैं। श्याम सुंदर फिर पीछे लौट आते हैं। खेल के नियम के अनुसार जो चोर बनता है उसे ध्रुव स्थान से 5 हाथ अलग खड़ा रहना पड़ता है, जिससे छिपी हुई सखियाँ आकर ध्रुव स्थान को छू सकें। अतः श्याम सुंदर ध्रुव स्थान से पहले 5 हाथ दक्षिण खड़े रहें, फिर उत्तर की ओर लौटकर 5 हाथ की दूरी पर दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हैं। इधर ललिता पहले तो पश्चिम की ओर गई, फिर लगभग 10-15 गज जाकर झाड़ियों में छिपती हुई उत्तर दिशा की ओर आकर छिप गई थी। श्याम सुंदर खड़े खड़े सोच ही रहे थे तभी पश्चिम से विशाखा आती हैं। श्याम सुंदर चाहते तो विशाखा को पकड़ कर छू सकते थे क्योंकि विशाखा बहुत कम दूरी पर ही थी, पर श्याम सुंदर ने तो पहले ही घोषणा कर दी है कि उन्हें ललिता को चोर बनाना है, इसीलिए वे इसी घात में हैं कि वह ध्रुव स्थान को छू ना पाए। श्याम सुंदर विचार कर रहे हैं कि विशाखा एवं तुंग विद्या तो आ गई हैं, अब 6 सखियाँ और बची हैं जिनमें चित्रा तो सदा उत्तर की ओर जाया करती है, इसीलिए आज भी वह उधर ही गई होगी। प्रिया ने कहा भी है कि ललिता पश्चिम की ओर गई हैं तो मैं पश्चिम की ओर ही चलूं। श्याम सुंदर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तथा ललिता झाड़ियों के छिद्र से उन्हें पश्चिम की ओर बढ़ते देखकर ध्रुव स्थान की ओर बढ़ने लगती हैं। श्री प्रिया की दृष्टि श्याम सुंदर की ओर ही लगी है। वृंदा इस बार श्री राधा के मुख के सामने से हटकर पश्चिम की ओर आ जाती हैं। उनके सामने से चले जाने पर श्री प्रिया उठकर खड़ी हो जाती हैं तथा पश्चिम की दिशा में श्याम सुंदर की ओर ही देखने लग जाती हैं। श्याम सुंदर एक झाड़ी के छिद्र से चित्रा को उत्तर की ओर छिपी देख लेते हैं तथा कहते हैं, चित्रा रानी तुम्हें डर नहीं है, तुम स्वच्छंद तो होकर जा सकती हो, मुझे तो ललिता को चोर बनाना है। इस बात को सुनकर जो सखियाँ छिपी हुई थी वे कुछ साहस के साथ एक एक करके आने लग जाती हैं। पूर्व की ओर से रंग देवी, पश्चिम की ओर से सुदेवी, उत्तर एवं पश्चिम के कोने से चंपकलता, दक्षिण एवं पूर्व के कोने से इंदुलेखा आकर ध्रुव स्थान को छू लेती हैं। अब केवल चित्रा एवं ललिता बच जाती हैं, जिसमें चित्रा को तो श्याम सुंदर ने देख लिया है पर ललिता किस दिशा में है यह अभी तक किसी को मालूम नहीं। श्याम सुंदर कुछ देर तक सोचते हैं, फिर कुछ सोचकर पूर्व एवं उत्तर के कोने वाली झाड़ियों को पार करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। श्री श्याम सुंदर 5-7 झाड़ियों को पार करके आंखों से ओझल हो गए। उनके छिपते ही श्री प्रिया के मुख पर अतिशय व्याकुलता के चिन्ह दिखने लग जाते हैं। वे घबराई सी होकर पूछती हैं, विशाखे
श्याम सुंदर कहाँ गए, किधर चले गए? ओह, ललिता भी बहुत हठीली है, जा तुरंत उसे बुला ला। अत्यधिक अधीर होकर राधा रानी चिल्लाती हुई ललिता ललिता पुकारने लग जाती हैं तथा वहीं अतिशय व्याकुलता से इधर उधर दौड़ने लग जाती हैं। रानी की पुकार सुनते ही ललिता दौड़ती हुई उत्तर की ओर से आती हैं। रानी की दशा उस समय बड़ी विचित्र हो गई है, आंखों से झरझर करते हुए आंसुओं का प्रवाह बह रहा है, सिर से अंचल खिसक गया है, वेड़ी के बाल खुलकर बिखर गए हैं। वे पगली सी होकर ललिता से आकर लिपट जाती हैं और बहुत जिज्ञासा भरे स्वर में पूछने लगती हैं, ललिते तुम्हें ढूंढते हुए श्याम सुंदर किधर चले गए हैं? यदि वे होते तो अब तक आ जाते हैं। ओ, तुम्हें आए कितनी देर हो गई, पर वे तो नहीं आए। रानी यह कहते कहते मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। ललिता सर्वथा घबरा सी जाती हैं, उनकी आंखों से भी छल छल करते हुए आंसू गिरने लग जाते हैं। वे इस समय किम कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई हैं। विशाखा एवं रूपमंजरी दोनों रानी के सिर पर गुलाब पास से शीतल जल छिड़क रही हैं। Codependency is an addiction to taking care of others. चित्रा पंखा चलने लग जाती हैं। रानी की मूर्छा नहीं टूटती, सखियों में घबराहट फैल जाती है, सबका अंतर करुणा से भर जाता है। विशाखा बार बार नासिका के पास हाथ ले जाती हैं और देखती हैं कि सांस बंद तो नहीं हो रहा है। सांस बहुत धीरे धीरे चल रहा था। बहुत सी सखियां मंजरियां इधर उधर घेरे में दौड़कर उच्च स्वर से पुकारती हैं, प्यारे श्याम सुंदर शीघ्र आओ, अरे खेल को फेंको खाई में, देखो रानी की दशा कैसी हो गई है। पर श्याम सुंदर की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता। एक क्षण में ही सखियां मंजरियां उस घेरे की झाड़ी झाड़ी को छान डालती हैं, पर कहीं भी श्याम सुंदर का पता नहीं चलता। सभी निराश होकर लौट आती हैं। ललिता के मुख पर अब सन्नता छाई हुई है, वे चित्र की भांति मूर्तिवत खड़ी हैं। जब दासियां निराश होकर लौट आती हैं तो अब ललिता का धैर्य टूट जाता है। रानी की दशा देखकर वे विलाप करती हुई पुकार कर कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, एक बार नहीं हजार बार मैं चोर बनूंगी, तुम आ जाओ, अब देर मत करो। ललिता के इस प्रकार कहते ही मतवाली चाल से चलते हुए श्याम सुंदर पूर्व की ओर से आते हुए दिखाई देते हैं। सखियों की दृष्टि तो पड़ जाती है, पर ललिता इतनी व्याकुल थी कि उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उनके सामने अंधकार सा छाया हुआ था। वे मूर्छित होकर गिरने वाली ही थी कि श्याम सुंदर आकर उनको पकड़ लेते हैं। हृदय से लगाकर रुमाल से ललिता के आंसू पोंछते हुए बड़े प्रेम से कहते हैं, यह देख मैं आ गया, घबराती क्यों है? श्री श्याम सुंदर का कोमल स्पर्श पाकर ललिता शांत हो जाती हैं, पर प्रणय कोप एवं आनंद के भावों का आवेग अतिशय बढ़ा रहने के कारण वे बहुत गंभीर रहती हैं, कुछ भी बोलती नहीं। सखियों में आनंद छा जाता है, पर राधा रानी अभी भी मूर्छित ही खड़ी हैं। विशाखा की गोद में मूर्छा की अवस्था में रानी ये अनुभव कर रही हैं कि श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते मैं बहुत दूर वन में चली आई हूँ, कहीं भी श्याम सुंदर का पता नहीं चल रहा है। हाँ, उनकी नूपुर ध्वनि का रुंझुन रुंझुन स्वर रह रहकर सुनाई पड़ रहा है। इससे श्री प्रिया को यह अनुमान हो रहा है कि मैं पीछे पीछे दौड़ती आई हूँ और वे छिपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्री प्रिया इसी भावावेश में कभी कभी उठकर बैठ जाती हैं तथा कभी कभी भागने की चेष्टा करने लगती हैं। श्याम सुंदर मधुर मधुर मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी प्राणेश्वरी की प्रेम लीला देख रहे हैं। उनके आ जाने के कारण सखियों को कोई चिंता नहीं रह गई है, सभी निश्चिंत हो गई हैं, क्योंकि सखियों के मन में श्याम सुंदर की उपस्थिति से श्री प्रिया के प्रति किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका बहुत ही कम आती है। सखियां बहुत ही घबरा गई थीं, उनका मन संदेह से आकुल हो गया था। आज की विरह दशा कुछ ऐसी भीषण हो गई थी एवं श्री प्रिया के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि सभी सखियाँ श्री प्रिया के जीवन से निराश सी होने लग गई थीं। अब श्याम सुंदर के आ जाने पर तथा उन्हें हंसते हुए देखकर उन सबको ढाढ़स हो गया है। श्री प्रिया की भी अचेतनता अब कम हो गई थी एवं वे भावावेश की दशा में आ गई।